एलो एलो माँ दुर्गा माँ। दुर्गा पूजा की धूम पश्चिम बंगाल के साथ साथ शिल्पांचल में भी खास तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं पे बुर्ज खलीफा कभी आपने देखा था तो इस साल मलेशिया के ट्विन टावर के केंद्रित करते हुए पंडाल बनाया गया है, जिसमें भीड़ लाखों, क्या कह सकते हैं कि लाखों क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का जो तुलना है वो 10 लाख लोगों, श्रद्धालुओं ने इस पूजा पंडाल को विजिट किया था जब बुर्ज खलीफा यहाँ पर बना था। तो इस साल मलेशिया का ट्विन टावर बना है जिसकी लाइटिंग, जिसकी छटा देखने लायक ही बनती है। तो चलिए इस क्लब के सदस्यों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था क्या उन्होंने, और उन्होंने जो इतनी शानदार पूजा पंडाल बनाई है उसको हमारे डिजिटल खबरी लाल की तरफ से सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं उनके पंडाल में है क्या खास। सर्वप्रथम हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय पार्षद जिनका काफी योगदान रहता है इस पूजा को सफल बनाने में। आइए सर्वप्रथम उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल खबरी लाल में। सर क्या थीम है एक बार आपसे जानना चाहेंगे? इस बार देखिए हम लोग का जो थीम है ट्विन टावर का था। आपका पिछला साल हम लोग का यहाँ पर आपका बुर्ज खलीफा बना था जिसके कारण हम लोग का मतलब इतना यहाँ पर भीड़ हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर भीड़ हुआ था, क्राउड हुआ था, उसके चलते हम लोग का प्रशासन भी परेशान रहते थे। तो इस बार भी हम लोग का इस बार ट्विन टावर बना है तो इसके चलते प्रशासन भी मतलब पूरा इसमें लगे हुए हैं कि जितना शांतिपूर्वक ढंग से हमारा देवमन का पूजा को पार करेंगे। क्या लगता है इस बार आपको कितने श्रद्धालु आपके पंडाल आ सकते हैं? अराउंड अप्रोक्स तो आपका जैसे पिछला साल तो 6 लगभग, तो मान के चलिए 7-8, हाँ इस बार भी सेम वैसा ही मतलब वैभव भी जाएंगे। अच्छा सर एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि आसनसोल शिल्पांचल शहर में बहुत सारे पूजा पंडाल होते हैं, आपके पूजा पंडाल में क्या खास है? और बहुत सारे मैसेजेस भी हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या मैसेजेस आप लोग दे रहे हैं? देखिए इसमें मतलब हम लोग का जो देवमन का जो पूजा है इस आपका ज़्यादातर हम बता रहे हैं कि हम लोग का ये लाइटिंग की वजह से फेमस है। पंडाल तो आप लोग कहीं भी देखे होंगे, मान लीजिए दुर्गापुर हो या और भी जगह हो, वहाँ पंडाल मान लीजिए बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है, लेकिन हम लोग का देवी मंदिर जो है सिर्फ लाइटिंग की वजह से ही फेमस होता है। लाइटिंग बहुत ही खास चीज़ है। आइए पंडाल के बारे में और जानते हैं क्लब के अधिकारियों से। धेमोमेन कोलेरी दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया यह पूजा पंडाल शिल्पांचल के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्या ये सच है? सही में ये शिल्पांचल में ये एक अपने आप में दुर्गा पूजा है, क्योंकि जो पंडाल है ना, पंडाल में लाइट सब जगह आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन धेमोमेन कोलेरी जो शिल्पांचल में पड़ता है ECL के मायने में, तो इसका पंडाल में हम लोग लाइट देख के इसको बहुत अच्छा। लाइटिंग की टीम सर आपकी कहाँ से है? मेरी लाइटिंग की टीम 2 है, एक नवदीप से है जो कि पंडाल में जो बढ़िया बढ़िया लाइटिंग जैसे सरफीट ये सब लाइन दिया जाता है, स्पॉट लाइट है, ये नवदीप का है, और चंदन नगर का जो पूरा भारतवर्ष में मशहूर चंदन नगर का लाइट है वो हमारे मैकेनिकल है, रोड गेट है, कोलका है, ये सब लगाया गया है। अच्छा ये जो दुर्गा पूजा होती है आप लोगों की हर साल प्रत्येक वर्ष आयोजित, ये किसके द्वारा कराया जाता है? एक धेमोमेन कोलेरी में जितने वर्कर है इनके ही पैसे से इनका एक दिन का वेजेज, वन डे वेजेज काटा जाता है और एक खुशी से देते हैं। ये तो बोलते हैं कि और भी ज़्यादा हम 1.5 हाजिरी ले लो चाहे 2 हाजिरी ले लो, लेकिन जो धेमोमेन का स्टैंडर्ड है पूजा का, आज ये 52 साल पूजा हो रहा है और एक करीब पूजा हम लोगों का शुरू से ही माने फर्स्ट आ रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ जैसे लंदन ब्रिज, चार मीनार, ताजमहल, पार्लियामेंट, पुराना जो पार्लियामेंट था वो, ये सब माने बहुत फेमस हुआ है। मतलब अगर आप अब अजूबा देखना चाहते हैं तो अजूबा देखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप धेमोमेन दुर्गा पूजा कोलेरी कमेटी आ सकते हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अजूबा आपको देखने को जरूर मिलेगा। जब अजूबे की बात हो रही है तो ये भी जरूरी है कि श्रद्धालु भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आते होंगे, तो श्रद्धालुओं को किस तरह से पार्किंग मैनेज किया जाता है, कितने स्वेच्छा के संभी होते हैं, उस संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे। सर आप बताइए कि किस तरह के आप लोगों की पार्किंग की व्यवस्था होती है, श्रद्धालु आते हैं, शायद आप ही पार्किंग यहाँ पर देखते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्लब के सेक्रेटरी भी हम लोग धेमोमेन में जो पार्किंग होता है आपको, जो हम लोग का जब 2 पार्किंग किया गया है, जो न्यावतपुर तरफ से जो गाड़ी आता है उसको हम लोग साइडिंग में पार्किंग किए हैं, जो आसनसोल तरफ से गाड़ी आ रहा है उसको हम लोग कोलेरी में पार्किंग किए हैं। पहले क्या होता रहा, ये हम लोग जो जीडी रोड है इसी से पब्लिक भी आता था, इसमें दुकान भी लगता था, गाड़ी भी आता था, 4-2 चक्का, तो यहाँ भीड़ इतना होता है कि मैंने संभाल के बाहर, जैसे अगला बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, इस तरह से हम लोग विचार किए थे कि नहीं, हम लोग रास्ता जो पब्लिक का रास्ता है इससे हट के ही हम लोग को पार्किंग का रास्ता बनाना हो, हम लोग साइड से एक खेत की तरफ से रास्ता जो पब्लिक लेन था उससे हम लोग मांग के एक रास्ता बनाया है कुलरी में आने के लिए, वन वे कर दिए, इन और अलग अलग है जिससे पार्किंग। हाँ, क्योंकि पिछले बार बहुत बार बार ये इशू हो रही थी कि ट्रैफिक के लेके, इस बार खास व्यवस्था है, इस बार पार्किंग का बहुत खास व्यवस्था है,
हमको नहीं लगता कि पब्लिक को इस बार कोई तकलीफ होना चाहिए। पब्लिक नाम करके ही जा रहा है, कल से पार्किंग शुरू है, पब्लिक नाम करके ही जा रहा है कि यहाँ पर पार्किंग बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पूजा की व्यवस्था बढ़िया है, मेला भी हम लोग जो हम लोग साइड साइड दुकान लगाते थे सब हम लोग मेला एक साइड कर दिए कि भाई मेला एक जगह रहेगा, जिसको है रास्ता में किसी पब्लिक को जरा सा भी तकलीफ ना हो। तो चलिए, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सब जरूर शिल्पांचल के बेहतरीन पंडालों में शुमार हमारे धेमोमेन दुर्गा पूजा कोलेरी कमेटी के द्वारा आयोजित इस पूजा पंडाल को जरूर देखने आए। डिजिटल खबरीलाल के लिए मैं रोहित, धेमोमेन कोलेरी से।